तो दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बजाज ने रिसेंटली NS160 एंड NS200 को रिलॉन्च किया है, जहां पर काफी सारे न्यू फीचर्स एंड अपडेट आप लोग नोटिस कर सकते हो। बट आज का ये वीडियो होने वाला है RS200 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में, कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन अपडेट के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा, इवन सोर्सेस के थ्रू पता चला है कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बाइक आप लोग पा सकते हो, बाइक की प्राइस क्या होने वाला है, कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने आ रहा है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि RS200 के साथ इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे हमेशा से R15 V4 जैसे बाइक के साथ कम्पीट होता रहा है। RS के अंदर आपको पावर ज्यादा मिलता था, वहीं पर आपको R15 V4 पर आपको स्पेसिफिकेशन ज्यादा मिलता था। बट आज की डेट पे RS के ऊपर बहुत ज्यादा अपडेट आएगा जो आपको R15 V4 को बहुत ही पीछे रह जाएगा। सो बात करते हैं न्यू अपडेट एंड चेंजेस के बारे में। देखो R15 V4 के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, 140 सेक्शन का टायर मिलता है, क्विक शिफ्टर स्लिपर क्लच के ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें अब आपको RS के अंदर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि इस बाइक के अंदर यानी कि RS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर आपको दोस्तों 140 सेक्शन की टायर मिलेगा एंड फ्रंट पर आपको 110/76 की सुपर वाइड टायर देखने को मिल सकता है। बाइक्स के अंदर ऑब्वियसली आपको ड्यूल चैनल ABS प्रोवाइड किया जाएगा एंड बाइक्स पर आपको दोस्तों BS7 OBD2 सेंसर के साथ ही इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर जो फ्रंट पर डिस्प्ले है वो 300mm की होगी, रियर पर 240mm की डिस्प्ले रहेगी एंड यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पहले मीटर कंसोल के बारे में। सो मीटर कंसोल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बन चुका होगा, यानी कि यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स यानी कि ब्लूटूथ एंड नेविगेशन के ऑप्शन, जो कि आपको आज की डेट पे 125 सेगमेंट की बाइक्स के अंदर भी आ रहा है, फाइनली वो जाके आप बजाज RS200 के अंदर देखने को मिल सकेगा। अब बात करते हैं फ्रंट साइड की। सो फ्रंट पर गोल्डन कलर का USD फोक्स आपको देखने को मिलेगा। NS200 एंड NS160 पर आपको दोस्तों सिल्वर टोन कलर की USD फोक्स मिलता है, बट RS200 के अंदर आप जाके आपको दोस्तों गोल्डन कलर का USD सस्पेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड रियर पर प्री लोडेड एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेंशन एंड एल्यूमिनियम स्विंग आर्म अब आपको ऑफर किया जाएगा न्यू RS200 के अंदर। अब इस बाइक के अंदर आपको दोस्तों ट्रैक्स कंट्रोल देखने को मिल सकता है। देखो हमेशा से कंपीट होता रहा R15 V4 जैसे बाइक के साथ, सो डेफिनेटली RS200 के अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल हो सकता है, स्लिपर क्लच तो डेफिनेटली आएगा बट क्विक शिफ्टर हो सकता है। दोस्तों बाइक्स के फ्रंट पर आपको वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाइक्स के अंदर जितनी भी इंडिकेटर वगैरह आएगा आपको LED के साथ प्रोवाइड किया जाएगा एंड बाइक्स के अंदर न्यू कलर ऑप्शन, न्यू कलर ग्राफिक्स आप लोग नोटिस कर सकते हो। बाइक की एलोवेल्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाइक की मेजर चेंजेस आप लोग नोटिस कर सकते, बट जो जो चीजें यहाँ पर चेंज हुआ है वो फ्रंट पर USD सस्पेंशन, रियर पर फ्री लोडेड एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेंशन, ड्यूल चैनल ABS एंड इस बाइक के अंदर मीटर कंसोल जो कि फुल्ली डिजिटल होने वाला है। पहले से आपको ड्यूल चैनल ABS तो ऑफर किया जाता था बट इस टाइम आपको ब्रेकिंग सिस्टम और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बाइक की टॉप स्पीड भी इंक्रीज होगा क्योंकि एल्यूमिनियम स्विंग आर्म यहां पर ऐड हो चुका है, जिसके कारण बाइक की जो वेट था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। सो दोस्तों बाइक की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो RS200 की ऑन रोड प्राइस आज के डेट पे चल रहा है 2,05,000 रुपीज, बट इतना ज्यादा अपडेट यानी कि USB चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन, मीटर कंसोल पर स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, यहाँ पर आपको 140 सेक्शन की टायर, USD सस्पेंशन, ऐसे आपको अपडेट आने के बाद बाइक की प्राइस 10,000 तक इंक्रीज हो सकता है, यानी कि 2,20,000 तक इस बाइक की प्राइस हो सकता है। आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। एंड बात कर लेते हैं बाइक कब तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा। अभी तो NS160, NS200 इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बहुत सारे जगह पर नहीं पहुंच पाया है। सो जब भी ये बाइक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होगा यानी कि बहुत सारे जगह पर पहुंच गया होगा, तभी RS को जो है लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि NS200, RS200 बिल्कुल सिमिलर इंजन शेयर करता है। जैसे कि आपको RS200 की छोटा भाई NS कह सकते हो, वो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है एंड ये एक नेकेड कैटेगरी बाइक है। सो डेफिनेटली RS को भी बहुत ही जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट लॉन्च कर दिया जाएगा। सो आप डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको 1-2 महीने के अंदर ही RS200 डेफिनेटली इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे दिखने वाला है। सो आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।